सिटी ऑफ लाइट से कहते, पता है आपको? बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। तो आज हम उदयपुर रहे हैं और एक होटल में चेकन कर लिया है। अरे सी खूबसूरत सी है और हम फ्रेश भी हो चुके हैं ना, तो ऊपर जाएंगे, मतलब बोले तो कैफे है इसी होटल पे। यहाँ आने में परेशानी तो होती है लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है यार। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ऊपर की ये, यहाँ से पूरे शहर का आपको दृश्य दिखेगा। मैं पूरी तरह से ऊपर की ओर आ चुका हूँ। होटल से सीधा हम आए हैं सिटी प्लेस में, और सिटी प्लेस के लिए आपको बता देते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका चार्ज मैंने बहुत कम लगेगा, 100 रुपये लगेंगे। और अगर आप सिटी प्लेस के अंदर जाके म्यूज़ियम देखते हैं तो आपको 300 रुपये का टिकट लगेगा। और अगर आपको म्यूज़ियम नहीं देखना, सिर्फ एंट्री इंटरेस्ट करना है, तो आपको 30 रुपये का टिकट लगेगा। और मेरे पास यह टिकट है। हेलो सर, ऐसा कहा जाता है कि ये जो सिटी प्लेस है ये एक राजा के समय में नहीं बना है, 22 राजाओं ने अपने अपने कार्यकाल में इसका निर्माण करवाया है। ये 22 राजाओं के कार्यकाल में रूप से कंप्लीट हुआ है। म्यूज़ियम में गए और मैं इधर फतेहपुर साइड की तरफ आ गया हूँ। वो अंदर से वहाँ एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मैंने एंट्री टिकट लिया है और उन्होंने इनसाइड का जो भी टिकट है, अदरवाइज जो भी सिस्टम है वो सब लिया है। मैंने नहीं लिया, मैंने अभी अगर लेक के पास जा रहे हैं जहाँ बोटिंग होती है, वहाँ पर बोटिंग तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो उधर रह गए, मैं इधर रह गया हूँ। लेकिन वहाँ जाते हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अभी सागर लेक के पास बैठा हूँ मैं, उनका वेट कर रहा हूँ, वो पता नहीं कब आएंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये सागर लेक है। और अभी आप देख रहे हो ना, पिछला लेक है और ये दो लोग भी आए और हम दोनों यहाँ बैठे रहे, एंजॉय किया। मेरा मोबाइल चार्ज भी हुआ है। पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं, पिछला लेक का है और वो दोनों चले गए उधर। अपन अब चलते हैं वापस। अभी तक है ना सिटी प्लेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और हमको भूख लग गई है, जबरदस्त वाली भूख लगी है। आज का तो नाम निशान नहीं है क्योंकि सुबह खाना खाया नहीं हमने, नाश्ता भी ना किया, लाजमी है, बजने को आए, भूख तो लगेगी। सिटी प्लेस के बाद तलाई आ जाएंगे, पैदल जा रहे हैं, मार्ग रफ एंड टफ है। दूध तलाई के पास हम पहुंच चुके हैं, वहाँ जाने से पहले थोड़ी चाय की चुस्की लेंगे। तो गाइज अभी है ना दूध तलाई के पास हम आ गए हैं और मैं आपको दूध तलाई दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये है दूध तलाई, देख लो दूध की तरह पकता हुआ साफ एकदम, इसको दूध तलाई कहना चाहिए। रोपवे की तरफ जाने का रास्ता भी बड़ा डेंजरस है, रफ टफ है, इतना क्या है, बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है रोपवे का जॉइंट है, डेस्टिनेशन वो आ गए। इनसाइड क्या सीन है, आपको इंटरफेस करवाएंगे और क्या सब चंगा सी। तो भैया ना अभी चल रहा है मीटिंग में, रोपवे का जो डेस्टिनेशन था वहाँ से लेके दूसरी डेस्टिनेशन तक हम पहुँच गए और अब हम जा रहे हैं दरगाह जाएंगे। वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो भी सीन है आपको इंटरफेस करवाएंगे। अब इतनी ऊंचाई से मैं आपको नीचे का दृश्य दिखा देता हूँ। जो भी सीन है आप देख सकते हो मेरे पीछे, क्या लाजवाब है, खूबसूरत है। और अभी मैं जा रहा हूँ दरगाह शरीफ की तरफ, मैं दरगाह शरीफ
हज़रत ग़ुलाम रसूल साहब और मेरे साथ जयपुर के कुछ और लोग हमारे यहाँ बैठक हो गया है। अभी रोपवे से हम सीधा जैसे ऊपर आए, रोपवे के अंदर हम तीन जने थे और तीन जने, एक आंटी जी ये हैं और एक आंटी जी है और एक पीछे, वो क्या कि थोड़ा थक गए ना तो इसलिए वो वहाँ बैठ गए। तो ये जयपुर से बेसिकली जयपुर से हमने मतलब रोपवे के अंदर बैठे थे तो पता पूछे मालूम हो गई। जाके हम आ गए वहाँ पे, जो भी था हमारा प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम वापस जाएंगे और उसी रोड से हम वापस जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा उदयपुर शहर है, देखोगे उतना ही कम। और हम वहाँ से आए थे, वहाँ पे हमको ड्रॉप किया गया और वहाँ से सीधा वो जो दिख रहा है ना पॉइंट, यहाँ से हम सीधा इधर आ गए थे। वो दोनों अभी पीछे हैं, उनका शूट अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ। गाइस पे पूरा विजिट करके हम वापस रिटर्न हो रहे हैं और वेटिंग में बैठे हैं। काफ़ी लाइन लगी हुई है, कम से कम 50 लोग बैठे हैं और 50 लोगों के बाद में हमारा नंबर आएगा, उसके बाद हम जाएंगे। फतेह सागर झील छुरा लेक को कवर कर लिया है, दोनों आगे चले गए हैं, सब चंगा है। लेकिन जो ये महंगाई है ना, टैक्सी किराया लेको, पानी का बॉटल लेको, नको। अभी आप मेरे आजू नहीं बाजू में देख सकते हैं सागर लेक है, ये है एक यहाँ खड़ा है, दूसरा बहुत आगे चला गया, पता नहीं क्या है यार सिस्टम, मैं सबसे पीछे। चलते हैं बोटिंग के लिए, बोटिंग करते हैं फतेह सागर में सिर्फ 90 रुपए में। अभी है ना फतेह सागर लेक की दीवार पे हम बैठे हैं, हॉर्स राइडिंग भी की है। ये जो आपने सीन देखा था यही है फतेह सागर। मेरे को ऐसा लगता है इससे पहले माउंट आबू किया है और अभी उदयपुर है, लेकिन मुझे लगता है इन दोनों की ट्रिप मुझे वापस करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ इंटरनली प्रॉब्लम है। वो क्लियर होने के बाद मैं माउंट आबू की गोरमघाट और उदयपुर अभी भी करेंगे, लेकिन इन तीनों को दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा। पिछुरा लेक और दूध लेक आप वहाँ जाओ, लेकिन उतना टाइम वहाँ पर मत दो जितना टाइम आपको देना है फतेह सागर में दो, क्योंकि यहाँ बहुत मज़ेदार स्ट्रीट फूड का जो जमावड़ा है माशाल्लाह बहुत। और आप यहाँ आकर आओ, खूब इंजॉय करो, मज़े करो, भूख भी लगे। तो स्ट्रीट फूड का आपने अभी जो व्यू देखा है मैंने बताया, मज़ेदार है, एक से बढ़कर एक स्ट्रीट फूड है। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे।